खेलते आया हूँ क्योंकि वो ऑफकोर्स मुंबई में नेचुरल गेम है ही, लेकिन हर एक स्पोर्ट को मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। जैसे फुटबॉल को हम अभी प्रमोट कर रहे हैं गली गली में जाके, जैसे मुंबई में गली क्रिकेट है वैसे गली फुटबॉल की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैंने इनसे एक कोलैबोरेशन का प्रॉमिस लिया है कि हम BMC स्कूल्स में रेसलिंग का एक स्पोर्ट शुरू करेंगे। बट अगले अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर स्पोर्ट्स, जैसे हम कबड्डी को प्रमोट कर रहे हैं, रग्बी है, बॉक्सिंग है, तो ये सारी स्पोर्ट्स को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं BMC में और कर रहे हैं। बिल्कुल आ पाएंगे। अगर आप फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप देखे फुटबॉल का, उसमें तो कोई स्टार नहीं था, राइजिंग स्टार्स थे लेकिन स्टार के जैसे अभी जैसे मेसी है, रोनाल्डो वैसे नाम नहीं थे, तो भी हमारे देश में जो अटेंडेंस रही वो 13 लाख लोगों की रही, विच इज़ अनहर्ड ऑफ फॉर स्पोर्ट लाइक फुटबॉल इन इंडिया। तो हमारे देश में चैंपियंस काफ़ी है, टैलेंट है, तो जैसे जैसे प्रेस कवरेज देती जाएगी तो वैसे पॉपुलैरिटी बढ़ते जाएगी। नहीं आज तो सिर्फ जो रेसलिंग रिंग में उसी कुछ ऐसे के बारे में बात करेंगे प्लीज। मतलब क्या कहेंगे नहीं, मैं सिर्फ आज इसके बारे में बात करूंगा, जो बाकी विषय है उस पर हमारे जो पक्ष प्रमुख है उस पर बात करेंगे। नहीं जैसे नहीं हमारे इसमें तो रेसलिंग और कबड्डी जैसे थोड़े गेम्स चलते रहते हैं लेकिन अनफेयर इसके पे चलते रहते हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन स्पोर्ट की दुनिया में डोपिंग पे काफ़ी चर्चा चल रही है। वैसे हमारे प्रोफेशन में जिसको EVM कहते हैं वो डोपिंग है कि नहीं, शायद ये भी नहीं पता नहीं। आज मैंने जैसे कहा कि आज सिर्फ रेसलिंग पे बात करते हैं। थैंक यू।